सही वक्त पे आए हो। अब मैं बहुत बढ़िया दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। चलो आपको भी मिलवाता हूँ, थोड़ा सा सर्किट है और आदमी बड़ा। अबे कहाँ मर गया? कौन? राज के बच्चे, मैं हूँ अली। बाहर अंदर क्या कर रहा? अबे तू बैग पांच मिनट तो आया, इधर बाथरूम का टंकी लीक कर रहा था, उसको ठीक करके आ रहा है। बाथरूम की टंकी इस हॉल में या तकरीबन पूरे दुबई में सब लोग मुझको जानते हैं, क्योंकि मैं हूं एक कामयाब बिजनेसमैन। और जाने अनजाने में आप सब लोग मुझ जैसा बनना चाहते हैं, मुझसे मिलिए। मैं हूं अली जमील। अबे अली, इतने दिनों बाद कैसा है मेडू? आया यार, बस तेरी कमी थी। दोस्तों इससे मिलिए, ये है राज। और इसकी खास बात यह है कि यह कभी झूठ नहीं। परसों बाद भी एक यही इंसान है जो मुझको आईना दिखा सकता। थैंक यू यार, लेकिन एक बात तो बता, तेरा थोबड़े में बारा क्यों बज रहा है? तो मार बोली उसको, पहले बता इस कमरे का हाल क्या बना रखा है, कितनी बार तुझको कहा किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जा। मरीना जीआईटी नहीं तो एमिरेट्स की तरह। मेरे भाई के पास बहुत पैसा है, तू सिर्फ इशारा कर, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। पता नहीं क्यों पढ़ा हुआ है इस कमरे में। अबे तेरे को तो मालूम है ना, अपन दोनों का जिंदगी यही कमरे से शुरू हुआ था। अभी सर आए सूट वूट पहन के जाने को तेरे को शर्म आता है क्या? शर्म नहीं आती यार, और मैं जानता हूँ कि बहुत खुददार आदमी है, किसी की मदद नहीं लेगा। पर यार सुन, खर्च समझ के रख, जब हो तो दे देना। अरे थैंक यू यार, लेकिन अब क्या करेगा बड़े मकान में रहेगा? अब तो मस्त मकान बन रहा है यार, और दूसरा अपना गैराज भी तो उधर बगल में ही है। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है, तेरे को सबसे एक बार तकलीफ का हो रहा है। ये कमरा मेरे पास की तरह, इसको मैं बहुत पीछे छोड़ा। अबे तो फिर मत आया करना यहाँ पे। अबे साले तेरी दोस्ती खींच लाती है। तू इतना दिन के बाद इधर आया है, तू भाई अपन अभी जाता और निहारी का बिरयानी लेके आते। अरे सुन, उसको बोलियो वो जले में आलू भी डालेगा, ठीक है? और जल्दी आइयो। दोस्तों जब तक ये वापस आ रहा है मैं आपको अपनी कहानी सुना। हम दो भाई, हमारे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, हमारे मामा ने हमको सहारा दिया। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, बड़े बड़े सपने थे मेरे, आलीशान बंगला, बड़ा सा ऑफिस, लंबी लंबी गाड़ियां, सफेद कपड़े पहने सलूट मारता ड्राइवर, बहुत अच्छा लगता था। पर हमारे हालात कुछ ठीक नहीं, पढ़ाई तो बीच में छूटी और मुझको मजदूरी का काम मिला। मेरे सारे सपने एक एक कर ऐसे बिखरने लगे जैसे कोई इंसान मुट्ठी में रेत दबाने की कोशिश करे, फिर भी वो धीरे धीरे निकल जाते। पर मेरा एक सपना ऐसा था जो मैंने अपनी मुट्ठी में दबा कर रखा, वो था मेरा छोटा भाई। मैं चाहता था मेरा हर वो सपना जो मुझको नसीब नहीं हुआ वो जिए, पढ़ाई लिखाई दौलत शौहरत उसको सब कुछ मिले, और उसके लिए मैं अपने आप तक को बेचने के लिए तैयार था। तकरीबन 15 साल पहले मैं दुबई आया, ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो ट्रैफिक सिग्नल पे न्यूज़पेपर बेचने का काम करता, वो भी कमीशन बेसिस। तो कहते हैं ना, रोज कुआं खोदना और रोज पानी। बड़ी मेहनत करके धूप में काम कर एक एक पैसा जोड़ता था और अपने भाई को भेजता था, सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ जाए, एक कामयाब इंसान बन जाए। यार तुझे तो सारी कहानी पता है। अरे ये सब तो पता है बॉस, लेकिन तू एक बात, अचानक तेरे पास इतना सारा पैसा किधर से आया? याद है तुझे, तू एक बार छुट्टी गया था और उन दिनों गर्मी बहुत थी, तो उसकी तरह मैं ट्रैफिक सिग्नल पे काम कर रहा था और मुझको डिहाइड्रेशन हो गया। भला हो कुछ इंसानों का कि जो मुझे कमरे तक छोड़ा। लेकिन शाम होते होते मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, बीमारी और कमजोरी से मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं उठा, हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह या मौला,
ये कैसी जिंदगी दी है तूने मुझे? अगर एक रोज मैं बीमार हो जाऊं और काम ना कर सकूं, तो दवा तो दूर की बात, मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। अरे मुझसे अच्छे तो वो लोग हैं जो जेल में रहते हैं। साला कम से कम उन्हें कोई टाइम पे दवा और खाना तो खिला देता है। या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे भी दौलत दे, बहुत सारी दौलत, ताकि मुझको भी तो कुछ सुख मिले। शायद उस दिन मेरी वो दुआ कबूल हो गई। और देखते ही देखते मैं एक कामयाब इंसान बन गया। चलो ये भी अच्छा हुआ। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के। मेरे सारे सपने पूरे हो गए, बहुत सारा पैसा, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम सब कुछ कमा लिया तुमने। अब बताओ, अब तो खुश है ना तुम? नहीं यार, एक बात बहुत सैड हुई। तुझे तो याद होगा मैं अपने भाई से कितना प्यार करता था, आधा पेट खाता था, लेकिन उसको पैसे भेजने में कभी कमी नहीं की। फिर भी वो बुरी संगत में पड़ गया, मेरी खून पसीने की कमाई को वो अय्याशियों में उड़ाने लगा। ड्रग्स, शराब, जुआ, सारी बुरी लतें पाली उसने, बर्बाद हो गया यार वो। भाई आज तूने अपन को अपन का बापू का याद दिला दिया यार। अपन का बापू ना मस्त आदमी होने का, अपन से बहुत प्यार करने का। वो एक दिन उसने अपने जेब से 50 रुपए का नोट निकाला, अपन को दिया, बोला जा बेटा ये किसी गरीब को दे दिया। अपन गया रास्ते में, एक भिखारी मिला, उसको देखा वापस आ गया। बाबू ने पूछा कैसा लगा? बाबू बोला मस्त लगा बाबू, एकदम झकास। ऐसा 2-3 दिन तो चला। फिर एक दिन बाबू बोला बेटा तू बड़ा हो गया, अब जाके कुछ काम कर, मैं देखना चाहता हूँ कि तू कुछ कमा सकता है या नहीं। बाबू बोला ओके बाबू, अपन अभी जाते कमाते हैं। एक जगह पे गया, मजदूरी का काम मिला, पूरा दिन धूप में एकदम मेहनत मजदूरी करके अपने 50 रुपया कमाया। मालूम है वो अपन बहुत खुश था यार, अपन भागते अपने बाबू के पास गया, बोला बाबू आई हैव माय फर्स्ट 50 रुपीज। बाबू बहुत खुश हो गया, अपन को जोर से गले लगा लिया और वो नोट लिया अपने हाथ से, उसे चूमा और वापस देते हुए बोला जा बेटा अब इसे किसी गरीब को दे दिया। अबुन रो दिया भाई, अबुन रो दिया। उस दिन एक बात का एहसास हो गया भाई, जिस पैसे को कमाने में अपना खुद का खून पसीना नहीं लगाओ ना, उस पैसे का सारा इंपॉर्टेंस ही नहीं होता। ये बात तो ठीक है यार, पर एक बात बता, इस सब में मेरा क्या कसूर? मेरा तो एक ही भाई था, मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा अंपायर बनाया है और मेरा हाथ बटाने वाला कोई नहीं। इसी बात का गम मुझे खाया जाता है। अरे तो किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। डॉक्टर को छोड़, मैंने तो कई पीर फकीर बाबों तक को दिखाया। जो आता है वो तो क्या तो मंदिर के नाम पे या मस्जिद के नाम पे, और कुछ नहीं तो यतीम खाने के नाम पे पैसा लेके चला जाता है। मेरा दुख जहां था वहीं है। अरे हाँ साला, पैसा भी तो बहुत कमा लिया होगा ना तूने। पैसा, आज मैं तुझे बताता हूं पैसा क्या होता है। इसका एक एक हीरा 5-5 मिलियन का है। इतना सब कुछ है मेरे पास। अरे वाह, जरा जरा दिखा दो। बड़ी मेहनत से कमाया मैंने एक एक हीरा, बल्कि ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। इतना पैसा, इतना जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, वो है मेरे पास। पर सच्ची खुशी का एक क्षण भी नहीं। राज, मेरे हीरे, राज कहाँ है यार तू? देख मेरा दिल बैठा जा रहा है। राज कहाँ है? अरे कोई तो पकड़ो इसे, चोर, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ले गया। राज, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ सुकून मिला?
बेटी को गोद में लिए अखा दुनिया में तो असली सुख की तलाश में घूम रहा था ना। अपने जरा सा थैली का छीन लिया, साला तेरे को इसका इंपोर्टेंस ही पता चल गया। भाई ये जो ऊपर वाला है ना, ये अपन को दुनिया का हर एक चीज दे देता है और एक चीज वापस ले लेता है। अरे किसी भी इंसान को देख लो, अगर उसके पास पैसा दिया है तो साला खूबसूरती नहीं, खूबसूरती दिया तो प्यार नहीं, प्यार दिया तो साला शान शौकत नहीं। अरे अक्खा दुनिया बस एक चीज का कमी को पूरा करने के लिए ही ऊपर वाले को याद कहता है। अरे 100 चीजें जो उसने अपन को दिए लाए, अगर उसका सही मानों में हम शुक्रिया अदा करें ना तो एक मामूली सी चीज का कमी पता नहीं चलता। भाई आज तूने मेरी आंखें खोल दी, तू ही मेरा सच्चा यार है। वो सब तो ठीक है भाई, पर अपना बिरयानी ठंडा हो रहा है।